कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच सड़कों पर ओवरलोडेड वाहनों की कमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन यमुनानगर का आरटीओ विभाग बेहद ही सख्त नजर आ रहा है। 12 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आरटीओ विभाग ने 500 से ज्यादा वाहनों के चलान काटे हैं और करीब 2,20,00,000 रुपए का भारी जुर्माना वसूला है। वहीं आरटीए विभाग न सिर्फ चालान काटने पर जोर दे रहा है, बल्कि समय समय पर वाहन चालकों को ओवरलोडिंग ना करने की सलाह भी दे रहा है। विभाग वाहनों पर क्लस्टर टेप भी लगा रहा है ताकि धुंध के चलते हादसे भी ना हो और लोगों को दूर से वाहन आसानी से दिखाई दे। आरटीए अधिकारी उर्मिला शिवकंद का कहना है कि इससे हादसों में कमी आएगी और नुकसान भी नहीं होगा। हमने ऑलमोस्ट सभी व्हीकल्स पे जो हमारे सामने आ रहे थे रिफ्लेक्टर टेप हमने लगा दी है, और जो जो भी अभी मिल रहा है जैसे पासिंग ग्राउंड में आज मैं वहाँ थी जिस पे नहीं थी उस पे भी लगाई है आज। हाँ जी, और ओवरलोड के लिए है कि हमने पिछले महीने नवंबर में 12 तारीख के आसपास चेकिंग शुरू की थी, तो नवंबर के महीने में हमने 585 के लगभग व्हीकल का ओवरलोड का चलान किया, जो करोड़ 5,00,000 के आसपास था। ये तो खैर मुझे नहीं पता हमने यहाँ इतना किया, ये पता अब तो 24 घंटे कार्यवाही हो रही है, क्योंकि मेरे आने से पहले की 1,30,00,000 या 1,40,00,000 था जबकि हमने 20 दिन में 2 करोड़ का कर दिया था। तो इसकी जैसे चेकिंग हो रही है इसकी वजह से कम भी हुए हैं, ओवरलोड कम हुए हैं। पर 37 गाड़ियां आई थी जिसमें से 17 फेल हो गई है, 20 गाड़ियां पास करके आई। ऑलमोस्ट सभी पे वाइपर नहीं था जो मैंने देखा है, 1-2 पे स्टिकर नहीं था, कईयों पे पेंट नहीं था, जो कि मेन है। वाइपर तो धुंध के मौसम में वैसे ही मेन होना, बारिश पे धुंध में। जो जितनी भी सड़कें जैसे कि डी साहब ने पिछली मीटिंग में भी हमें कहा था कि सब पर वाइट पट्टी होनी चाहिए, कैट आइज लगनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग जैसे उन पे वाइट पेंट होना चाहिए ताकि कोई भी हादसा ना हो। मैं तो ओवरलोड वालों को तो यही कहना चाहते हैं कि सब अपने अंडरलोड चलें, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम के चलान करते हैं और ओवरलोड से और भी नुकसान होता है। सड़कों का तो होता है, जान माल का भी होता है, और इस दिन के टाइम में तो वैसे भी ज़्यादा नुकसान होता है एक्सीडेंट्स का, तो सब अपने अंडरलोड चलें। हमने 2,000 के आसपास व्हीकल चेक किए थे जिसमें से 600 के आसपास का हमने ओवरलोड का चलान किया है, जो कि 2,20,00,000 के आसपास है आज तक। आपके पास लगभग 4 जिलों का चार्ज है, और उसके बाद अगर चारों जिलों का लगाएं तो किस तरीके से जो है आरटीए विभाग काम कर रहा है? हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट में डे नाइट काम कर रहे हैं, 2-2 टीमें लगी हुई है, कोई भी छोड़ा नहीं जा रहा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र।